खाने वाली चीज नहीं है, खुशबो वाली चीज। हसन का ध्यान जरा खाने वाली चीज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मौसम बहुत अच्छा है माशाल्लाह से। मौसम की छुट्टी मैं सबसे पहले बताता हूँ, क्योंकि मौसम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, बिकॉज गर्मी हर तरफ आ गई है, लेकिन हमारी तरफ आ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह मौसम अच्छा है। लेकिन अब मैं जा रहा हूँ बच्चों को लेने और उनके घर से, तो अभी जाते हैं उनको लेने। असल गेट खोली, गेट खोल। बच्चों के लेने आए थे और अब हम उस होम जा रहे हैं, दूसरे होने बैठे होम जा रहे हैं। हम तुम्हें नहीं लेने, हम सिर्फ बच्चों को लेने, तुम अपने शाम को आना है हमारे पास। मैं हसन को लेके आया हूँ गाइस मेरे साथ, मैंने कहा आप मेरे साथ चलो बच्चों को लेके आए। अभी फतेह मामा दुकान पे गए हुए चीज़ लेने, वो आता फिर चलता है। इनके देखे घर सड़क पे है बिल्कुल, इतने शोर आता है ना एकदम। हमारे घर शांति रहती है ना, यहाँ तो बहुत ज़्यादा शोर होता है। मेरे कहने का बीमारी लगा हुआ बेईमान। हाँ हर वक्त शोर आता था। आज देखो रात को हमने खिड़की बंद किया, फिर किसी ने खोल दिया। ये खाने वाली चीज नहीं, खुशबो वाली चीज। हसन का ध्यान जरा खाने वाली चीज। ये खाने वाली नहीं, ये फूल है सिर्फ। वैसे इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है, रात को कभी सूंघ लेना। ये रात की रानी है। नहीं रात की रानी नहीं है, ये दिन का राज है। अच्छा बांदरी बनने लगी हूँ। सेवन जा रही हो तुम। सो गाइस अब बच्चों को लेके वापस घर पहुँचने वाले हैं। बस ये देखे माशाल्लाह से कितनी सफाई है साइडों पे। बच्चों को मैं लेकर तो आ गया था, तो थोड़ी देर बाद बच्चों ने आजमाई पा दी कि नहीं हमने वापस जाना है अपनी मामा के पास। तो बड़े को हम छोड़ा है, उसकी मामा के पास फिर छोड़ा है, मगर शाम वो अपनी आ औलाद। तो छोटा भी इधर हमारे पास ही है। मैं इधर अब छत पे वॉक कर रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ, इफ्तार का इंतज़ार कर रहा हूँ कि इफ्तार जल्द से जल्द हो जाए। और फिर पत्नी आज 27 रोजे शायद हो गए, इस दफ़ पत्नी 29 होते हैं या 30। मेरे तो दिल से तब 27 हो जाने थे काफ़ी टाइम, लेकिन नहीं इस दफ़ा इंशाल्लाह 30 पूरे होंगे। और उम्मीद है कि 30 हम रख सकें, रख तो लेंगे इंशाल्लाह। जितने इतने रख लेते हैं भी आगे भी रख लेंगे, केड़ा मुश्किल काम है। देख लोग देख रहे हैं कि जलो अगर राजा ने छोश अपने आप में गलना करता गया, फिर कोई गल नहीं। सब गाइस हम तो इफ्तार करने लगे थे, लेकिन इफ्तार कॉल आ गई हमें, रमज़ान की पहली इफ्तार कॉल्स फ्रॉम माई सिस्टर। उसने कहा हमारे घर आज इफ्तार करने, तो मैं उधर जा रहा हूँ, फिर इफ्तार करके फिर आऊँगा, फिर आपको मिलते हैं। सो गाइस मैं गड्डी बैठ चुका हूँ और अब मैं जा रहा हूँ इफ्तार पे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अकेले जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अकेले जा रहा हूँ। सो गाइस हमारा इफ्तार हो गया है, हमने नमाज वगैरह भी पढ़ ली है और अब हम अपने घर जा रहे हैं, और बच्चे भी मेरे साथ ही हमारे घर वापस जा रहे हैं थोड़ा सा टाइम गुजारने के लिए। सो गाइस अभी हमारे आने वाले हमारे घर से इफ्तारी करके आए थे और अभी हम घर आ रहे हैं। सोनिक सोनिक नहीं है। सो गाइस अभी हम वापस आ चुके हैं माशाल्लाह से इफ्तारी करके, हालत बेजार हो गई है गाइस, इनको मैं वापस अपने साथ। सो गाइस अभी हम होने भाई के ही होम है और थोड़ी देर बाद हम अपने होम चले जाएंगे। अलीशा के गाइस अलीशा के शादी का हो ओके, कि ईद का जोड़ा भी आ गया। अलीशा ने भी डाल के देखा है, अलीशा कहते मुझे बड़ा पसंद आया है, तो अलीशा ने भी डाल के देखा उसको पूरा था ईद का जोड़ा और ब्यूटीफुल हमारा फेवरेट कलर था। जी आप क्या लेना कलर था, वो मेरी मामा का भी फेवरेट कलर था और मेरा भी। आप तुमने और क्या लेना है? मैंने और जूली लेनी है। तो गाइस अभी उनको मैं छोड़ने आ गया उनके घर, और बिलाल अभी इनकी तरफ ही है। बिलाल आ गया था वापस, बिलाल को मैं लेने आया, वो बस अंदर से आ रहे थे, उसका वेट कर।
सो गाइज हम घर आ गए थे, आज छोटे छोटे बहुत सारे काम थे जो मैं करने लग पड़ा था दिन भर में, इस वजह से ना ब्लॉग जो है ना पूरे मेरा टाइम नहीं हुआ 8 मिनट का, तो इस वजह से आज छोटा ही ब्लॉग होगा। तो बिलाल को मैंने ले लिया था वहाँ से, तो उसको वीडियो बनाना याद नहीं, मुझे जाकर वो सोने चला गया, बनाने याद नहीं, तो यही मैं भूल जाता हूँ अक्सर ना बस। तो ये था आज का ब्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। शुक्रिया।